के राज में हुआ है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि उन्होंने भगवंत मान 50 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप उनका जो निजी पर्सनल मामला है, तो क्या आपको लगता है मौत सियासत, जब दांत थे जब चढ़े नहीं, जब चढ़े हुए जब दांत नहीं, जब शादी करने का टाइम किया था तो उस टाइम शादी क्यों नहीं करने गई थी, क्यों नहीं की थी, जब क्या करने गया हुआ था, क्या कमियां थी। एक बार पहले शादी करके जिसके साथ पहली वाली के साथ जब दुर्गति की है, इस पर भी इसको इसकी दुर्गति करने की कोई गारंटी है केजरीवाल की? केजरीवाल शादी में शरीक हो रहे हैं और मान साहब 50 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं। पर्सनल मामला नहीं है ये एक संस्कार की बात है। ये देश में एक देश का चीफ मिनिस्टर होकर के एक प्रांत का और ऐसे रास्ते पर जा रहा है जो नैतिकता के खिलाफ है, जो धर्म के खिलाफ है और जो समय के खिलाफ है। एक समझदारी, ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेवारी एक राजनेता का फर्ज बनता है, लेकिन इनमें कोई भी चीज़ नहीं है। अच्छा, जो दिल्ली सरकार ऊपर कैग की रिपोर्ट आई है, आपने बताया कि आप लोगों ने बताया पीसी के माध्यम से कि विभिन्न तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं, तो क्या आप लोग इस मुद्दे को कोर्ट में लेके जाएंगे जांच करवाने के लिए? क्यों नहीं जाएंगे, कांग्रेस इस बात को भूलेगी नहीं। अभी कांग्रेस के पीसी चीफ ने कहा है कि हम समय समय पर इस मुद्दे को मरने नहीं देंगे। कांग्रेस को किसी हद तक जाना पड़े, कांग्रेस की जो काबिलियत है, जो कांग्रेस का इतिहास है, वो सारी दुनिया जानती है, इसलिए कांग्रेस वफादारी के साथ लोगों के साथ खड़ी है। अभी दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि दिल्ली सरकार के ऊपर एक रुपये का कर्जा नहीं है, लेकिन आपने आप लोगों ने बोला कि दिल्ली सरकार ने 38,000 करोड़ रुपये का लोन लिया हुआ है। इसमें कोई झूठ नहीं है, अगर जो हम झूठ बोलते हैं तो हमारे खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाए। कांग्रेस इस बात में पीछे नहीं हट रही है, ये स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचारियों का अड्डा है। उनके अधिकारी हों, मंत्री हों, उन्होंने जो अनदेखी करके और जो विकास की गति को रोक करके जो लूटने पर लगे हैं, उसका कोई मिसाल और किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं है, या तो बीजेपी के पास है या आम पार्टी के पास है। कांग्रेस ने इन चीज़ों को कभी बढ़ावा नहीं दिया, बिल्कुल पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में इसकी जांच होनी चाहिए। हर मुख्यमंत्री को मंत्री पद के साथ रिजाइन देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि भ्रष्टाचार तो बिल्कुल नहीं हुआ है हमारी सरकार में, और कर्जा भी नहीं हमारे पास, कर्जा भी नहीं। ये जो और जो दिल्ली का मॉडल है हमारा, जो दिल्ली का मॉडल हमारा जो हमने करके दिखाया है विकास दिल्ली में, वो विश्व के लोग यहाँ दिखने आ रहे हैं। क्या विकास करा, क्या विश्व है, कोई फ्लाई ओवर बनाया, जैसे कॉलेज बनाया, जो शिक्षा का मॉडल था, अभी बीजेपी क्या शिक्षा का मॉडल, बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल, अभी गुजरात का बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था देखने को आया था। आपने बहुत बढ़िया सवाल मेरे सामने खड़ा किया है। मैं अरविंद केजरीवाल की अगर जो मेरे सामने खड़े हों तो नैतिकता पर उसको लोग काला मुंह करेंगे। आज जो गवर्नमेंट स्कूलों की बात है, पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ करके कमरे बनाए जा रहे हैं जिसका 25 लाख रुपया जिसका एस्टीमेट पास करा करके उसको लूटा जा रहा सरकारी पैसे, और बगैर लैंड यूज चेंज किए जो स्कूलों में प्ले फील्ड है उनमें बिल्डिंग बनाई जा रही है। और जो बच्चे मॉडल की बात करता है अरविंद केजरीवाल साहब, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो कोविड के टाइम पर 3 साल तक स्कूल बंद रहे हैं और वो कहता है कि मैंने मॉडल को सुधार दिया, जो कुछ मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो बच्चा 3 साल का था आज से 3 साल पहले, आज वो 6 साल का हो गया, क्या वो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा क्या वो ABCD जानता है, क्या वो संडे मंडे जानता है? 3 साल में क्या स्टैंडर्ड सुधारा है? जो बच्चा 10th क्लास में था, +2 में हो गया आज, क्या उसको मनीष सिसोदिया की स्पेलिंग याद है? अगर जो है तो अरविंद केजरीवाल इस पर जनता की अदालत में आकर के जवाब दे और मुझे भी बुलाए और वो मॉडल को बताए। मैं उनसे पूछूंगा 1 क्लास में कितने बच्चे हैं, मैं उनसे पूछूंगा 1 टीचर कितने सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और अरविंद केजरीवाल से ये भी पूछूंगा जो बिल्डिंगें बनाई है क्या लैंड यूज चेंज करे बगैर बनाई है या नहीं बनाई है। मतलब आपको कहना है कि जो कमरे हैं, जो मिस यूज, जो दिल्ली स्कूल के जो कमरे थे, दिल्ली स्कूल की जो भी बिल्डिंग थी उसको रिप्लेस करके, उसको एज इट इज उसको उसमें थोड़ा सा रिप्लेस करके बनाया गया है, लूटा है, पैसा लूटा है, और बगैर लैंड यूज चेंज करे कोई भी बिल्डिंग बनाना गैर कानूनी है। इसने जितने प्ले फील्ड थे, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, लाखों बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, तो जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, एजुकेशन के बाद गेम्स भी होता है और दूसरी एक्टिविटीज, संगीत होता है, डांस होता है, जिमनास्टिक होता है, योगा होती है, फुटबॉल है, हॉकी है, बैडमिंटन है, टेनिस है, लॉन टेनिस है, स्काटिंग है, सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि जो स्कूलों में
गवर्नमेंट स्कूलों में ग्राउंड थे उनको बगैर लैंड यूज चेंज करे उन ग्राउंडों को ख़त्म करके इसने बिल्डिंग क्यों खड़ी करी है ये बताइए। बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चा खेलेगा उम्र बढ़ेगी, बच्चा खेलेगा बीमारी घटेगी, बच्चा खेलेगा पाचन शक्ति बढ़ेगी, बच्चा खेलेगा हुसन बढ़ेगा। डेवलपमेंट पूरे तरीके से रोक दिया है ये दिल्ली के लोगों को छल करने में, पूरे तरीके से मास्टरी तरीके से लगा हुआ है और बेईमानों की टीम के साथ ये पूरी सरदारी को निभा रहा। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के विधायक जय किशन जी, जिनका कहना है कि दिल्ली सरकार की रिपोर्ट आई है उसमें विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार हुआ है जिसको हम कोर्ट में लेकर जाएंगे और उसकी जांच करवाएंगे। दिलीप कुमार शर्मा, समाचार वार्ता, दिल्ली।